लेकिन एक विषय मैंने जो थोड़ा संकेत किया था कि हम जो अपनी भर्तियां हैं उन भर्तियों में यूनिवर्सिटीज के अंदर जहां आवश्यकता नहीं है वहीं नहीं करेंगे, बाकी जगह आवश्यकता जहां है उनकी भर्तियां चालू रहेंगी। और प्रदेश में भी जो भर्तियां हमने की हैं, अगर हम पिछले 5 साल 6 साल का हिसाब लगाते हैं तो इन 5 साढ़े 5 साल के अंदर हमारी अभी तक 73,500 भर्तियाँ ये हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से के कारण से हुई हैं, और अभी भी 12,500 ऐसी भर्तियां हैं जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, रिजल्ट आना शेष है। यदि रिजल्ट आया है तो उनकी काउंसलिंग करनी है, स्क्रीनिंग करनी है, वो शेष है। ये सब काम जो पाइपलाइन में है ये पूरे के पूरे होंगे, इनको किसी को रोका नहीं जाएगा। और इन 12,500 को मैं जोड़ता हूँ तो ये 86,000 भर्तियां हमने पिछले 5 साढ़े 5 वर्ष में की हैं। और ये हमने कभी भर्तियों के कारण किसी कारण से रोका नहीं है, जो खाली पोस्ट हैं जितनी भी आवश्यकता है उनको सबको हमने किया है। लेकिन अगर पिछले हमारे 6 साल से पहले 10 साल का हिसाब मैं लगाता हूँ तो चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, 10 साल के पूरे कार्यकाल में भी 86,000 भर्तियां हुई थी। अर्थात वो 10 साल का कार्यकाल और हमारा 5.5 साल का कार्यकाल ये बराबर भर्तियां कर चुके हैं। आगे 4.5 साल भी जो बचा है समय उसके अंदर भरपूर भर्तियां की जाएंगी। लेकिन वर्तमान समय ऐसा है जब सोशल डिस्टेंसिंग है, जब ट्रांसपोर्ट के साधन बंद हैं, परीक्षाएं हम करा नहीं सकते हैं। हमारे तो जो स्कूल के विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी, प्लस टू के विद्यार्थी, इनकी परीक्षाएं वो सब शेष हैं और इस एक विशेष परिस्थिति के कारण से उनकी परीक्षाएं भी हम करा नहीं पा रहे हैं। इनकी परीक्षाएं कराने का अवसर जैसे हमें मिलेगा, जैसे ही वातावरण अनुकूल होगा, सब स्थितियां ठीक होंगी, केवल उस समय तक ही ये प्रतिबंध रहेगा। जब तक ये परिस्थितियां ठीक नहीं होती हैं, परिस्थितियां ठीक होने के बाद ये सब काम निश्चित कराएंगे। आप अपने घर पर बैठ करके जो ऐसे बंधु अपने किसी इंटरव्यू के लिए, अपने किसी परीक्षा के लिए, जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं, भरपूर समय है, वो इसकी तैयारी करें कि जिंदगी जो शेष है वही विशेष है। इसलिए हम जिस फेज में अब आए हैं, इस फेज के आगे अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखना, उसको ठीक ढंग से आगे बढ़ाना, चलाना और उसी का आनंद लेना, ताकि हम अपने जीवन को, अपने आने वाली पीढ़ी को ठीक सुरक्षित सुरक्षित ढंग से एक अच्छा भविष्य दें। यही आपसे मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।